हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कूल कॉइल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे जो सीढ़ियों पर जो लैंप लगा होता है उस लैंप को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे आप ये सीढ़ी लगी हुई है, इस सीढ़ी में देख रहे हैं बीच में एक लैंप लगा हुआ है और एक ये भी सीढ़ी है, इस सीढ़ी में भी एक बीच में लैंप लगा हुआ है। तो इस लैंप को किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, इसको जो है हम स्टेयर केस वायरिंग बोलते हैं। स्टेयर केस वायरिंग कैसे करेंगे, उस वायरिंग के द्वारा हम इस लैंप को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम की मैं समझाऊंगा आपको। तो अभी देखिए, ये नीचे को है यानी कि ऑन है, और इस साइड देखिए ऊपर को है, मतलब वो ऊपर को भी ऑन है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल चाहिए, एक दो टू वे स्विच चाहिए होते हैं, एक लैंप चाहिए होता है और 1.5 mm स्क्वायर की जो है वायर चाहिए होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें किस तरीके से जो है पॉइंट होते हैं, ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। तो ये टू वे स्विच एक राइट साइड लगाए और एक टू वे स्विच लेफ्ट साइड लगाए। तो इसमें जब ये नीचे को ऑन होता है तब आप देख रहे हो नीचे किस तरीके से कांटेक्ट जो है बन जाता है, और राइट साइड में जो ऊपर को है तो मतलब ऊपर को कांटेक्ट बना हुआ है। तो मतलब अभी जो है हमारे लैंप का सर्किट जो है पूरा नहीं है, इस स्थिति में जो है लैंप हमारा ऑफ रहेगा। तो आइए अब इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करके देखिए, मान लीजिए ऊपर से कोई बंदा नीचे आ रहा है यानी कि राइट साइड से ऊपर है, ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी पर अभी जो है आदमी खड़ा हुआ है। ऊपर ऊपर से जब नीचे आएगा तो वो जैसे ही टू वे स्विच को ऑन करेगा तब ये नीचे को कांटेक्ट बन जाएगा और लाइट जो है जल जाएगी। जलने के बाद जैसे ही वो नीचे जाएगा, अब इसको लैंप फिर से बंद करना है। बंद करने के लिए फिर वो बटन दबाएगा ऊपर को, तो फिर लाइट बुझ जाएगी। देखिए कांटेक्ट नहीं बन रहा है, लैंप का जो है सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, तो ये बुझ जाएगा। फिर एक बार मान लीजिए कोई और भी है ऊपर, तो फिर वो ऊपर आएगा तो फिर दबाएगा, फिर जल जाएगी लाइट। अब नीचे से जब कोई ऊपर जाएगा तो फिर वो बटन को ऑन करेगा, तो फिर ये ऊपर को जल जाएगी और फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर उसको बटन दबाएगा तो ये ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम स्टेयर केस वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम और भी कोई नई वीडियो बनाए तो आप तक पहले से ही पहुँच जाए वो।